दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्लांट जो कि आप जून और जुलाई में जाकर नर्सरी से ला सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्लांट है हमारा विंका का। इस समय चाहे हाइब्रिड वैरायटी लगाइए या देसी, दोनों ही वैरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएगी, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। फिर ये हमारा अडेलियम का प्लांट है। अभी ये मेरा छोटा ही प्लांट है, इसने मुझे एक बार फ्लावरिंग दे दी है इस सीजन में। ये देखिए, पिक में आप देख सकते हैं इस कलर के फूल आए थे। तो आप देसी और ग्राफ्टेड दोनों वैरायटी अब आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। तो मेरे तो पास देसी वैरायटी ही है। फिर देसी वाला गुलाब भी आप ऐड कर सकते हैं। जून के महीने में बहुत गर्मी हो तब भी ये देसी वाला गुलाब हमारा फ्लावरिंग करता रहता है और इसमें आपको ग्रोथ भी दिखाई देती रहेगी। देखिए, अभी मई के महीने में भी मेरे इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी और फ्लावरिंग भी हो रही थी। ये अभी करंट की ही मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। इसमें अभी ये 2 दिन पहले के फूल खिले हैं और ये फूल अभी तक 3-4 दिन तक ऐसे ही खिले रहेंगे। फूलों की शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। फिर अगर आप जो है हिबिस्कस को ऐड करना चाहें तो उसमें ये जो पिंक वाला हिबिस्कस होता है, ये रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। पिक में आप देख सकते हैं इस तरीके का फूल इसमें खिलता है और इसके हर लीव नोड एरिया से जो है बर्ड्स बनती हैं। तो किसी भी हिबिस्कस के मुकाबले में इस वाले में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। तो आप इस वाले हिबिस्कस को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा नाग चंपा का प्लांट है। देखिए, मिट्टी इसकी बहुत हार्ड हो गई है, तो पत्तियाँ आपको सारी झुकी झुकी सी दिखाई दे रही होंगी। मिट्टी सूख गई है बहुत, और अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था, मैंने आपको शॉपिंग वाली वीडियो में शो किया था। तो इस प्लांट को भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसको सहारा देने के लिए कुछ स्टेकिंग वगैरह लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है और नर्सरी में इस समय आपको चंपा की जो है दूसरी वाली वैरायटी और ये नाग चंपा या सोन चंपा कोई भी वैरायटी नर्सरी में आपको मिल जाएगी। और अभी हमारा अक्टूबर तक अच्छे से फ्लावरिंग करता है। फिर अपराजिता की वाइन को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये भी बरसातों के मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। ये मेरी डबल पेटल वाली है, ये मैंने नर्सरी से खरीदी थी, और वाइट और ब्लू सिंगल पेटल वाली वो मेरी बीजों से उगाई हुई है, तो वो भी मेरे यहाँ लगी हुई है। अभी बरसात के मौसम में बहुत अच्छी प्लानिंग इसमें होने वाली है। और देखिए, इसमें एक मिर्ची का प्लांट निकल आया है जो काफ़ी बड़ा हो गया है और बेचारा अपने वेट को सहन नहीं कर पा रहा है, तो एक तरफ झुके चला जा रहा है। और इसमें भी अब फूल निकल आए हैं, तो जल्दी इसमें मिर्ची लगेंगी। देसी वाले विंका को भी आप ऐड कर सकते हैं। बरसातों के मौसम में इनके फूलों के साइज बहुत बड़े हो जाते हैं और ये तो जैसे नाम सदाबहार है, हमेशा ही रहते हैं। फिर कनेर को भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो इसकी जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है जो आप ये सामने देख रहे हैं, आप इस वैरायटी को ऐड कर सकते हैं। ये हाइट में ज़्यादा नहीं जाती है, हॉरिजॉन्टली बढ़ती है। और देखिए, इसमें हाइब्रिड वाली में जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और गुच्छों में आते हैं और लगभग आते ही रहते हैं सर्दियों के बस 2 महीने छोड़कर। इसमें आप देखेंगे जो है जल्दी जल्दी कलियाँ बनने लग जाती हैं। बोगनविला को आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये वाइट है और जो है खिलता है और उसके बाद फिर ये पिंक पर्पल से शेड में हो जाता है। काफ़ी सारे शेड आपको इस समय नर्सरी में मिल जाएंगे। इसके अंदर आप बोगनविला को बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं। 12 महीने फूल देती रहती है और बरसातों में तो वैसे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाली है। फिर मधुमालती जो लगाने के शौकीन हैं और जिनके पास ग्राउंड नहीं है, वो पॉट वाली वैरायटी को जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट इसके लिए मैं कहना चाहूँगी आप 14 से 16 इंच का पॉट ही दीजिए। मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगाया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसका पॉट साइज़ छोटा है। एक बार ये मुझे फ्लावरिंग दे चुकी है, फिर अभी इसमें नई नई ग्रोथ आ गई है, तो आप इसको जो है बड़े से पॉट में ही लगाइए, 14 से 16 इंच के पॉट में, तो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। फिर आप एक्जोरा को शामिल कर सकते हैं। एक्जोरा बहुत ही अच्छा प्लांट है। देखिए, जब पूरा बंच खिल जाता है, पिक में देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है। 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है। बस बहुत ठंड के जो महीने होते हैं, दिसंबर तक इसने फ्लावरिंग करी थी, सिर्फ जनवरी का महीना छोड़ के फरवरी से फिर इसने ग्रोथ कर ली, तो रेस्ट करके ये फ्लावरिंग करता रहता है। मैक्सिकन पिटूनिया को आप शामिल कर सकते हैं। ये भी अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला है। इसमें वाइट और पिंक 2 कलर आते हैं हाइब्रिड में, और अब पर्पल वाले में भी आपको हाइब्रिड में मिल जाएंगे। ये मेरा पर्पल कलर का है। देखिए, वही तो देसी वाला होता है पर्पल, जो बहुत बड़ा सा प्लांट हो जाता है। ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये शॉर्ट ही रहेगी पॉट में लगाने के लिए। अब इसकी हाइब्रिड वैरायटी पर्पल में भी आ गई है। फिर बहुत ही अच्छा प्लांट जो आपको बता रही हूँ, लेंटाना, जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करता है, 12 महीने फूल देता रहता है। अभी आपके एक फ्लावर के बंच ख़त्म होंगे नहीं कि आप देखेंगे कि दोबारा नए नए फ्लावर साइड से निकलने की स्टार्टिंग हो चुकी है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रेस्ट करके फ्लावरिंग करते हैं, बट ये रेस्ट करता ही नहीं है, ये प्लांट फ्लावरिंग करता ही रहता है, करता ही रहता है। और जब देखिए आप पिक में, जब इसके ऐसे सारे बंचेस में इसके फ्लावर खिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर आप ये पर्सलिन पोर्चुलाका को ऐड कर सकते हैं। ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है, और अपनी ये देसी वाली वैरायटी, जो भी वैरायटी आपको मिले, क्योंकि रेनी सीजन में ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है।
ग्लाडिया तो फ्रेंड्स सीजनेबल प्लांट है, लेकिन आप ऐड करना चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। इस समय अगर नर्सरी में आपको मिल जाता है, ये भी लगभग साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप जो है इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और जो प्लांट मैंने आपको बताए हैं वो प्लांट नर्सरी में आपको इस समय जून और जुलाई के महीने में आराम से मिल जाएंगे और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और सभी बहुत हार्डी प्लांट है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।